अब मयूरेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग से। मयूरेश शुक्रिया समय देने के लिए और आपको नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे क्या किया जाए, एंजल का व्यू क्या है रिलायंस पे? ये कल थोड़ा वीक भी हो गया था, ये आप भी बाय करेंगे इसको 1200-1220 की रेंज में या फिर अभी भी बाय कर सकते हैं आप? मॉर्निंग आप सभी को और दर्शकों को शुभकामनाएं नव वर्ष की। बेसिकली आई थिंक जो एक फाइन जो इम्पोज हुआ है, आई थिंक डेफिनेटली सेंटिमेंटल नेगेटिव है एंड दो दिस कैन बी चैलेंज्ड। मेरे ख्याल से आई थिंक जो दो बेसिक टेनेंट्स है जिसपे स्टॉक चला था इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर बेस दैट इट इज़ बिल्ट अप ऑन द टेलीकॉम बिजनेस, और अगर हम एक बेस के सिनेरियो मान के चले कि जो जियो प्राइम मेंबरशिप की तरफ एटलीस्ट हाफ द मेंबर्स विल प्रॉब्ली सब्सक्राइब, मुझे लगता है आई थिंक बाय द नेक्स्ट 4 to 5 quarters इफ दे गेट दैट सब्सक्राइबर बेस क्लोज टू 10 crore विच इज़ नीडेड फॉर देयर ब्रेक इवन आरपू रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर हम ब्लेंडेड आरपू देखें 303 रुपये का प्लान और 149 के प्लान का, तो ब्लेंडेड आरपू कम्स टू अराउंड 225 odd rupees विच इज़ मच हायर देन द एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट्स। इसलिए आई थिंक जो एक हेड स्टार्ट मिलेगी इनको बोथ इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर मार्केट शेयर डेटा, रेवेन्यू मार्केट शेयर डेटा विल बी सिग्निफिकेंट, और जैसे एक्विजिशन करते जाएंगे जो टेलीकॉम सेक्टर पे केपेक्स लगा है 2 लाख करोड़ का, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट यील्डिंग रिटर्न। सेकेंड जो कोर केपेक्स है वहाँ पे आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलरेडी डन, तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक इज पॉइज्ड फॉर गुड रिटर्न गोइंग फॉरवर्ड। अगले 4 से 6 quarter में आई थिंक जो कोर बिजनेस है वहां से अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, एंड इफ टेलीकॉम स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग ओवर द नेक्स्ट 4 to 6 quarters आई थिंक जो आरओई है और ईपीएस है जो सबड्यूड रही थी 11% फॉर आरओई स्पेसिफिकली वो एक्सपेंड होगी, तो यस आई थिंक ये लेवल से और एक स्टैगर्ड मैनर में अगर स्टॉक करेक्ट होता है आई विल रिमेन ऑप्टिमिस्टिक ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। मयूरेश ये पूरा ही एविएशन स्पेस आपको कैसा लग रहा है, जो खरीदारी दिख रही है इस सेक्टर में ये सस्टेन होगी? मॉर्निंग दीपाली जी, आई थिंक एक लंपी सेक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ एन अर्निंग्स परस्पेक्टिव, क्योंकि कंपटीशन जैसे होती है, जैसे इनके इनपुट कॉस्ट होते हैं स्पेसिफिकली ETF को लेके, आई थिंक इट ईट्स इनटू अ लॉट ऑफ देयर कैश फ्लोज। दूसरा आई थिंक अगर इसका P&L का आप स्टेटमेंट देखें तो आई थिंक ETF इज क्लोज टू 25% सेल एंड लीज बैक के जो ये अनाउंस ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं वहाँ पे 8 to 10% का एक खर्चा होता है। देर इज ऑल्सो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रेगुलेटरी चार्जेस, एम्प्लॉई एक्सपेंसिस, डिप्रिसिएशन, तो कैश फ्लोज के लिए जो हेडरूम बचती है टू हैव अ कंसिस्टेंट फ्लो आई थिंक डिपेंड्स ऑन ऑल दीज वेरी। सेकेंड आई थिंक जो क्वार्टर वाइज रिजल्ट रहते हैं, आई थिंक जब छुट्टियों का सीजन होता है दैट इज सपोज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर्स फॉर एयरलाइन इंडस्ट्री, और लास्ट क्वार्टर डीमोनेटाइजेशन के वजह से आई थिंक एक भारी मार पड़ी थी जो यील्ड्स पे रिफ्लेक्ट हुई थी, जो उनके कैश पे रिफ्लेक्ट हुई थी, जो उनके रेवेन्यू पर एवरेज अवेलेबल सीट किलोमीटर उस पर रिफ्लेक्ट हुई थी, और पैसेंजर फेयर्स हैड एक्चुअली कम डाउन बिकॉज ऑफ ह्यूज कॉम्पिटिशन। बट अगर ETF प्राइसेस स्टेबल रहती है एंड इफ देर एबल टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट, और जैसे रीजनल कनेक्टिविटी की हम बात सुन रहे हैं कि ऑल स्टेट्स are probably implementing that with huge amount of discount on CESS probably coming through an ETF. I think एक incrementally positive news बिल्कुल आ सकती है earnings में, हालांकि I think earnings काफी lumpy रहती है. So from a trading perspective, definitely I think जो positive momentum है airline stocks में बिल्कुल बरकरार रह सकता है. ठीक है, airlines से बरकरार रहे, CESS को लेकर एक बड़ा benefit मिल सकता है, लेकिन आज F&O band से 3 share बाहर भी हुए हैं, उसमें Syntex है, HDIL है और Reliance Capital है. एक बार सिंटेक्स पर आपका व्यू चाहिए राजेश, ये करीब करीब 4% कल बढ़ के बंद हुआ था ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर, बाजार कमजोर था ये चल रहा था, आज और चलेगा क्या? आज तो एफ एंड बैन से भी बाहर है। यस डिम्पी, आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन सिंटेक्स, और इनफैक्ट हम लोगों ने रिकमेंड भी किया था रफली 78-80 से, वी आर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 100 इन इनिशियल फेज, कल इनफैक्ट ब्रेकआउट भी दिया 104 का। यहाँ पे एक सिर्फ मैं ऐड यही करना चाहूँगा, 105 और 106 के आसपास एक माइल्ड रेजिस्टेंस दिखता है एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न, तो मुझे लगता है कि सिंटेक्स अगर आज भी चलता है तो डेफिनेटली वन कैन टेक अ कॉल गोस्ट लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 102, इनिशियल रेजिस्टेंस 106 का रहेगा, जैसे मैंने कहा अगर वो टूटे और उसका ब्रेकआउट मिले तो डेफिनेटली और चलेगा। लेकिन मैं सिर्फ यही ऐड करना चाहूंगा फॉर ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये करेक्शन में भी आता है तो रफली मुझे लगता है कि इसका जो मेजर सपोर्ट है वो रफली दिखता है 90 के आसपास, तो अगर करेक्शन में मिले तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, ADAG शेयर्स में, क्योंकि आज बाजार के संकेत थोड़े से ठीक दिख रहे हैं, रिलायंस कैपिटल पे आपकी उम्मीद क्या है? अविनाश आप इसको ठीक सोच रहे हैं, ये किसी भी डिप में प्लस करने का शेयर है?
मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली डिक्लाइन में अगर कोई शेयर खरीदना हो अनिल अंबानी पैक में तो रिलायंस कैपिटल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए काफ़ी जगह है। इनफैक्ट इनका जो रिलायंस का होम फाइनेंस बिजनेस है वो अभी अप्रैल के महीने में होपफुली ऐसा मार्केट्स और कंपनी ने बताया कि ये लिस्टेड होगा, तो ये डेफिनेटली एक वैल्यू अनलॉकिंग के लिए मूव रहेगी। रही बात इनके फिनेंशियल्स पे, तो हमको लग रहा है कि आने वाला साल होपफुली जो वैल्यू अनलॉकिंग की बातें इन्होंने एनालिस्ट मीट में कही है वो अगर फ्रक्टिफाई स्लोली भी होती है तो इसमें काफ़ी इजाफा कंपनी के फिनेंशियल्स में आना चाहिए। तो ओवरऑल डिप में खरीदना चाहिए, ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। जी सुब्रा, आपके ट्रेडिंग चॉइसेस क्या रहेंगे आज के लिए? शुरुआत तौर पे रिलायंस कैपिटल जो अविनाश भी कह रहे थे, आई थिंक कहीं ना कहीं भाव पे भी ये नजर आ रहा है, और कल के सेशन में हमने शॉर्ट कवरिंग रैली देखी, तो हमारा मानना है कि शायद अभी एक वापस एक्सपर्ट की एक तैयारी पे 612 का टारगेट मॉडस्ट टारगेट है, मेरा मानना है कि इसके भी आगे जा सकता है 612 का टारगेट और 580 का स्टॉप लॉस। और दूसरा कर्नाटका बैंक, ये यहाँ पर भी हम स्टडी एक ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप देख रहे थे, मेरा मानना है कि शायद 147 तक जाने की संभावना है, खरीदारी कर सकते हैं 135 का स्टॉप लॉस। और तीसरा एक सेल कॉल एनसीसी जो लगातार यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप देख रहे हैं, शायद यहाँ पर 70 तक फिसल सकता है, यहाँ पर बिकॉली की सलाह है और 84 का स्टॉप लॉस। 9 बजे हैं, शेयर बाजार को ही रोकते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की, हर रोज की तरह सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मिहिर भट्ट। संकेत आज के लिए जिस तरह के हैं उसमें बाजार हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत पॉजिटिव क्यूज लेना चाहे तो शायद जीएसटी और उसकी पॉजिटिव कम्युनिटी से ले सकता है, बट अदरवाइज मार्केट के लिए आज काफी हद तक म्यूटेड और न्यूट्रल क्यूज हैं। तो इसके बीच में आई थिंक एक चीज जो मार्केट में देखने को मिल सकती है वैसे भी वो है थोड़ा बहुत रिस्क एवर्जन, कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग शायद करना ना भी चाहे बिकॉज एक्सपायरी का हफ्ता है। लेकिन सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को, सभी दर्शकों को आज नवरात्रि की शुभकामनाएं जो कि आज से शुरू हुए हैं, और साथ ही महाराष्ट्र के जो हमारे दर्शक हैं उन्हें गुड़ी पड़वा की भी शुभकामनाएं, उनका नया साल आज से शुरू होता है और उम्मीद करते हैं कि ये नया साल नवरात्रि जो शुरू हुए हैं वो मार्केट्स के लिए भी अच्छी खबर लेकर आए। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं, लेकिन आज के सेशन में इंडेक्स वाइज शायद बहुत ज्यादा एक्शन ना देखने को मिले। एसजेक्स निफ्टी भी क्योंकि सुबह से वॉलेटाइल है, अब सिर्फ 20 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है 9092 के लेवल्स पर, लेकिन सेगमेंट स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। पूरी ऑटो स्पेस पर नजर रखनी है, साथ ही आज के सेशन में सरकारी बैंक जिन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस पिछले कुछ सेशंस में दिखाई है, कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से ये लाइमलाइट में रहेगा क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है कोटक महिंद्रा बैंक की 3:15 बजे। एविएशन स्टॉक्स, टेक्सटाइल स्टॉक्स, इंफ्रा स्टॉक्स, ये कुछ और शेयर्स रहेंगे जो कि आज लाइमलाइट में होंगे। इंडिकेटिव एक्शन में 9122 के लेवल्स पर निफ्टी, सेंसेक्स 54 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड करते हुए, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स जिनका हमने अभी जिक्र किया, इन पर डेफिनेटली आज के सेशन में कुछ स्विंग्स दिख सकते हैं ऑन द ईदर साइड। खबरों वाले शेयर्स में भी जहां पर पॉजिटिव न्यूज फ्लो है उसमें टेक्नोफैब इंजीनियरिंग, दिलीप बिल्डकॉन, ये स्टॉक्स ऑर्डर फ्लो की खबरों की वजह से चल सकते हैं आज के सेशन में। कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स जहां पर फंड इन्फ्यूजन की या फिर फंड रेजिंग की खबरें हैं उन स्टॉक्स पर भी आज एक वाइब्रेंसी दिख सकती है। रुपए की ओपनिंग पर स्पेशली ध्यान देना होगा क्योंकि हमने देखा है कि कॉन्स्टेंट अप्रिसिएशन हमने रुपए में देखा है, लेकिन आज करेंसी मार्केट की क्लोजिंग है, कल 65 के लेवल्स के आसपास हमने रुपए की क्लोजिंग देखी थी। लेकिन अब सीधे चलते हैं डिम्पी के पास और जान लेते हैं कि स्टॉक्स फास्ट 50 के आज के टॉप 10 ट्रेड्स कौन से हैं, बताइए डिम्पी। शुक्रिया दीपाली। शेयर होगा पटेल इंटीग्रेटेड का और इस पे आप नजर रखें क्योंकि लॉजिस्टिक शेयर्स के अंदर कहना कि आज फिर से मोमेंटम रह सकता है क्योंकि जीएसटी से जुड़े हुए जो बिल हैं वो 4 कल सदन में पेश कर दिए हैं और अब 7 घंटे का समय दिया गया इसको डिस्कशन के लिए, शायद इस पर सरकार इसको भी अच्छी तरह से ही कंडक्ट कर लेगी। 90 रुपये का टारगेट है, इस पर आप नजर रखें। अपोलो टायर पर आप नजर रख सकते हैं, वैसे आज सभी टायर कंपनीज पर ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि आज वाणिज्य मंत्रालय के साथ एक बैठक होने वाली है एंटी डंपिंग को लेकर, तो 215 तक का टारगेट है। श्रीराम ईपीएस पर आप ध्यान दें, एलएनटी की जेवी से इनको एक ऑर्डर मिला है करीब 10 करोड़ डॉलर के आसपास का, ये ऑर्डर है जो कि वाटर ट्रांसमिशन पाइपलाइन के लिए इनको ऑर्डर मिला है, तो इसका टारगेट 3100 रुपए का आज का रखा जा सकता है। थोड़ी देर पहले हमने राजेश से भी यही टारगेट समझा था। केपीआईटी पे ध्यान रखें, केपीआईटी टेक के अंदर प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, ये करीब करीब 2.25% हिस्सेदारी बढ़ाई है और 135 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। पांचवां शेयर जो हमारी लिस्ट में है वह है जुबिलेंट फूड वर्क का, क्योंकि यहां पर भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और यहां पर करीब करीब 7% का ओपन इंटरेस्ट घटा है, इसका मतलब यह है कि अगले सीरीज के अंदर भी इसमें रोल ओवर का आंकड़ा थोड़ा ठीक मिल जाएगा। इसमें आप नजर रखें 1125 का टारगेट है। छठा शेयर जो है वह है सिंजिन का, 4 सत्रों से लगातार इस शेयर में
कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 50 दिन के एवरेज के भी ऊपर आ गया है, तो टेक्निकल बेसिस पर इस शेयर को दिया है, थोड़ा डिफेंसिव भी है, आप इस पर नजर रखें, 548 का टारगेट होगा। सातवां शेयर BPL है, कल अच्छा चला था, आज भी चल सकता है, 80 रुपये के एक अहम स्तर को ये आज पार कर सकता है, तो 80 रुपीज़ का हालांकि आप टारगेट पहले रख लें, 72 का एक स्टॉप लॉस रख लें, अगर ये पार होगा तो नए लेवल्स भी आपको मिल जाएंगे। NIT पे भी आपको ध्यान रखना है, बाय कॉल यहाँ पे भी मिल रही है, डेली चार्ट्स पर वॉल्यूम के साथ इसमें कल ब्रेकआउट था, 85 का टारगेट है, 82 का एक स्टॉप लॉस है। बेल पे आप ध्यान रखें, यानी कि भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पे 165 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पे भी खरीदारी करें। अच्छा डाटा फॉर्मेशन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद कल एक अच्छा मोमेंटम में शेयर वापस बंद हुआ था, 156 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रखना होगा। और आखिरी शेयर है टाटा केमिकल, केमिकल स्पेस में काफ़ी बज है, कल भी कुछ एक केमिकल के शेयर चल रहे थे, टाटा केमिकल लीडर है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस पर, 600 रुपये तक के टारगेट के साथ यहाँ पे भी खरीदारी करें, 45% का कैश डिलीवरी और मार्च और अप्रैल दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खरीदारी बनती हुई दिखे, तो टाटा केमिकल करीब करीब 600 रुपये का टारगेट बाय कॉल। जी शुक्रिया डिम्पी आपका ये ट्रेड्स बताने के लिए। चार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मयूरेश जोशी हैं, राजेश सतपुते हैं, अविनाश गोरखसाकर हैं और के सुब्रमण्यम हैं। मयूरेश, ये कोटक महिंद्रा बैंक पर आपका व्यू क्या है? आज बैंक की बोर्ड बैठक है जिसमें फंड रेजिंग पर डिसीजन लिया जाएगा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन बैंक क्योंकि ऑलरेडी हैविली कैपिटलाइज है तो ऐसे में फंड रेजिंग का पर्पज क्या है? इसके पीछे काफी सारी स्पेकुलेशन जाहिर की जा रही है कि क्या कोई एक्विजिशन की कंपनी अनाउंसमेंट कर सकती है या फिर कोई और वजह है, आपके कॉमेंट्स क्या है? नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक बैंक इज एब्सोल्युटली वेल कैपिटलाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही पता चलेगा कि इंटेंशन क्या है बैंक का। बट जनरली इंडस्ट्री की आप बात करें दीपाली जी, तो आई थिंक इंडस्ट्री हैज बीन ग्रोइंग एट अ वेरी स्लो एंड स्लगिश पेस, 5% और 6% की क्रेडिट ग्रोथ है और आई थिंक काफ़ी फोकस रिटेल एडवांसेस की तरफ है, स्पेसिफिकली लार्ज रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स का। अभी अगर हम बात भी करें तो आई थिंक लार्जर वंस लाइक येस बैंक प्रॉब्ली नीड मोर कैपिटल इन्फ्यूजन, क्योंकि जिस रेट पे ये ग्रो हो रहे हैं 25-30%, इफ दे हैव टू सस्टेन दैट सेम ग्रोथ रेट, बैलेंस शीट एक्सपेंशन करनी है तो कैपिटल रेजिंग बिल्कुल जरूरी होगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक लॉट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर वेरी वेल प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, बट इफ दे हैव टू सस्टेन देयर लोन ग्रोथ प्रोफाइल ऑफ मोर देन 25%, आई थिंक चुनिंदा बैंकों को आई थिंक बहुत जरूरी होगा टू रेज कैपिटल। फॉर कोटक आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि काफी वेल कैपिटलाइज है बैंक, सो इंटेंशंस क्या है आई थिंक प्रेस कॉन में पता चलेंगे, बट आई थिंक द फोकस रिमेन्स वेरी वेरी क्लियर, हमारा बायस आई थिंक लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और लार्जर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ होगा, जहाँ पे हमें लगता है सभी पैरामीटर्स पे दे आर अहेड, कैपिटल एडिक्वेसी हो, कासा रेशियोज हो, लोन ग्रोथ हो, क्रेडिट कॉस्ट्स हो, प्रोविजनिंग हो, तो कहीं ना कहीं आई थिंक लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक येस इंडसइंड अगर होल्ड करते हैं तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, एंड लार्जर पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक SBI इफ वन इज होल्डिंग इट शुड कंटिन्यू होल्डिंग दैट। जी अविनाश, ये कावेरी सीट्स का कल का रिएक्शन आपने देखा होगा, डेलो पर ये बंद हुआ बायबैक की खबर आने के बाद, और इनफैक्ट बायबैक बस के बीच में ये 350 से चलते हुए 550 के लेवल्स तक पहुंचा था, ये जो डिसअपॉइंटमेंट कल दिखी इस स्टॉक में, उसके पीछे का रीजन आपको क्या लगा? क्या कंपनी ने डिविडेंड की जगह बायबैक की अनाउंसमेंट की है, ये एक रीजन हो सकता है, क्योंकि डिविडेंड भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था बायबैक के साथ साथ, क्योंकि प्राइस तो ठीक ठाक है जिसपे बायबैक कंपनी ला रही, करीब 650 के आसपास का है। नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से बायबैक प्राइस तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव है, लेकिन जो साइज़ है बायबैक का हमको लग रहा है दीपाली काफ़ी छोटा है, और इसके व्यतिरिक्त अगर डिविडेंड अनाउंस होता था तो मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा पॉजिटिवली यू नो स्टॉक रिएक्ट हो सकता था, क्योंकि डिविडेंड डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता था। बायबैक डेफिनेटली हमको नहीं लग रहा है कि सारे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो मेथड होगा वो मेरे ख्याल से सारे शेयर होल्डर्स के एक्सेप्ट हो गए ये कहना मुश्किल है, तो आई मीन दैट वॉज द मेन रीज़न स्टॉक में एक थोड़ा सा उछले लेवल से नीचे का ट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बायबैक के न्यूज़ पे थोड़ा सा बढ़ चुका था। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो बायबैक के बाद अच्छे रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है। जी सुब्रत, दो स्टॉक्स पर आपके कमेंट्स चाहिए, एक तो सिंटेक्स जिसने कल 100 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, 104 के लेवल्स पर, और दूसरा गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये भी काफी एक्टिव था डेरिवेटिव्स में और खबरों में भी है, यहां पर प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है गोदरेज एग्रोवेट में, जो कि सब्सिडियरी कंपनी है गोदरेज इंडस्ट्रीज की, लेकिन दोनों पर आपकी राय क्या है? Oh.
लेकिन आई थिंक जहां तक गोदरेज इंडस्ट्री का सवाल है, भले ही आई थिंक डेरिवेटिव यहाँ पर शामिल है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद ये क्लियर एक इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट भी है और नियर टर्म आई थिंक ये कहीं ना कहीं संकेत यही दे रहा है कि शायद ये 550-575 तक भी स्पर्ट मार सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुअल एक्यूमेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है और ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप भी देख रही है। और जहाँ तक सिंटेक्स का सवाल है, आई थिंक बहुत दिन के बाद बहुत जबरदस्त मोमेंटम पे आई है और ये लगातार जारी रहने की संभावना है। आई थिंक नियर टर्म में भी आई थिंक अगर कोई टारगेट पकड़ के चले तो आई थिंक 110-112 तक जाने की संभावना है, तो जिनके पास पोजीशन है आई थिंक 100 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड ऑन कर सकते हैं। जी मयूरेश, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इंडिकेटिव टिक्स में निफ्टी